Welcome you all in our classes provided by Emrin Public School. Here is Anjali to teach you social science. हाँ जी, जैसे कि आपको पता है, आपका जो सेकेंड टेस्ट है वो हमारे सेकेंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का होगा, ठीक है। हम फर्स्ट चैप्टर की रिविज़न नहीं कर पाए क्योंकि हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, उसको कम्प्लीट करना था, लेकिन वो चैप्टर बहुत ईजी था और उसकी वीडियोज़ भी आपके पास, उसके लिंक्स भी आपके पास होंगे, ठीक है। तो आई जस्ट होप आप लोगों ने अच्छे से दिया होगा वो टेस्ट, राइट। आज हम अब रिवीजन करेंगे, साथ में आपके टेस्ट की तैयारी हो जाएगी, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी इसमें तो जो होगा वो शॉर्ट रिवीजन होगा, लेकिन जो डिटेल है वो मैंने वीडियोस में जो हम लोगों ने पहले की हैं इस चैप्टर को पढ़ते हुए, क्वेश्चन करते हुए, उसमें करवाई है, ठीक है। अभी तो रिवीजन होगा, जो फटाफट कुछ पॉइंट अगर छूट भी गया, कोशिश करेंगे सब कवर हो जाए, तो वहाँ से वो कवर हो जाएगा। आई जस्ट होप आप प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे पहले तो मैम ने उसमें से पढ़ाया था, PPT में से, मतलब किसी और चीज़ में से पढ़ाया था, सेम ही है। इसीलिए अगर किसी को लगता है डाउट है तो मैं इसीलिए आज इस बुक में से पढ़ा रही हूँ, ताकि जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए कि सेम ही था, ठीक है। तो डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसका टेस्ट हो चुका है कि डाइवर्सिटी क्या होती है, विभिन्नताएँ होती हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने बेनिफिट देखे थे कि डाइवर्सिटी के क्या बेनिफिट होते हैं, कि वो हम लोगों के जो बोरिंग लाइफ होती है उसमें एक नया फ्लेवर ऐड कर देती हैं डाइवर्सिटी, ठीक है। इससे हमें क्या है, अलग अलग लोगों से मिलने को मिलता है, ठीक है, और अलग अलग भाषा बोलने को मिलती है, सीखने को मिलता है, और हम अलग अलग तरह का फूड खाते हैं, तो इस तरीके से वो क्या है, हमारी बोरिंग लाइफ में एक फ्लेवर ऐड कर देती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी से पक्षपात कैसे होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएँ हैं, उसके बुरे प्रभाव क्या हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। ये कहता है कि डाइवर्सिटी में के सभी लोग एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, ठीक है। इस वजह से कई बार क्या होता है कि एक पर्सन दूसरी कम्युनिटी के पर्सन से बोलते हुए थोड़ा सा हेजिटेट करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे उसकी लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है, वो उसके जैसा नहीं दिखता, ठीक है, तो वहाँ पर वो कम्फर्टेबल फील नहीं कर पाता, ठीक है। लेकिन कई बार तो क्या होता है कि वो इस चीज़ की वजह से कि वो हमारे जैसा नहीं दिख रहा है, हमसे अलग खाना खा रहा है, उनका कल्चर हमसे अलग है, ठीक है, हम उसके बारे में नेगेटिव एक्सपेक्ट्स बना लेते हैं, मतलब उसके बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं कि ये हमसे अलग हैं, और उसकी वजह से क्या है, हम उसके साथ पक्षपात कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको लाइन टू लाइन नहीं पढ़ाऊंगी, जस्ट आपको यही बताऊंगी कि इसमें दिया क्या गया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, डिस्क्रिमिनेशन किस किस तरीके से करते हैं हम लोग, जब हमारे मन में ऐसे ओपिनियन बन जाता है, प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज का मतलब होता है पक्षपात करना। इसमें क्या करते हैं, हम एक पर्सन को नेगेटिवली लुक से देखते हैं, मतलब हम उसको अपने आप से इन्फीरियर समझते हैं कि ये हमसे इन्फीरियर है, हम सुपीरियर हैं, हम जो करते हैं वही सही है, जो हमारा कल्चर कहता है वही बेस्ट है, हमारी जो ओपिनियन है वही बेस्ट है, और दूसरे के बिहेवियर को हम अनलाइक करते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। हमें लगता है कि हमारा जो धर्म कहता है वही बेस्ट है, ठीक है, और दूसरे के धर्म को क्या मानते हैं, हम इन्फीरियर मानते हैं, जो हम हमारा कल्चर है वो बेस्ट है, दूसरे के कल्चर को क्या मानते हैं, हम इन्फीरियर मानते हैं, ठीक है, जो भाषा हम बोल रहे हैं वो सुपीरियर है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं वो सुपीरियर है। इस तरीके से क्या है, हम अपने आप को दूसरे पर्सन से सुपीरियर समझते हैं, ठीक है। और ये जो प्रिजुडाइज है वो सिर्फ ये नहीं है कि धर्म के नाम पर हो रही है, कल्चर के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, स्किन के नाम पर, ठीक है, क्षेत्र के नाम, बहुत ऐसे तरीके हैं जिसके कारण हम क्या है, दूसरे पर्सन के लिए एक नेगेटिव ओपिनियन बना लेते हैं और उसके साथ क्या है, पक्षपात कर देते हैं, ठीक है। और इस केस में क्या है, कई बार हम क्या है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपना फ्रेंड भी नहीं बनाता, मतलब उसके साथ बोलना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमसे क्या है, इन्फीरियर है, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। सेकंड क्या है हमारा, स्टेरोटाइप। स्टेरोटाइप क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम एक रूढ़िवादी सोच बना लेते हैं किसी पर्सन के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी समुदाय के लिए, कि ये क्या है, और उसको क्या है, एक ही उसमें डाल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हम एक मतलब पूरे समुदाय को एक फिक्स पिक्चर में डाल देते हैं और उसके लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं और उसी पर अड़े रहते हैं, ठीक है। उसमें तो क्या है, हम उसके लिए इन्फीरियर पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ पक्षपात करते हैं। इसमें क्या है, जो काफ़ी समय से बना हुआ है, चलता आ रहा है कि ऐसा ही है, जैसे कि लड़कियां वीक ही है, ये स्टेरोटाइप है, रूढ़िवादिता है कि वो कुछ नहीं कर सकती, अब तो बहुत चेंज आ गया है, ठीक है। स्टेरोटाइप में क्या होता है, हम एक ग्रुप ऑफ पीपल को क्या है, एक उसमें फिक्स एक इमेज में डाल देते हैं और वही आइडिया है जो उसके प्रति हमारे मन में फिक्स हो जाता है,
ठीक है, तो इस तरीके से जैसे कि लड़कियां वीक हैं, ठीक है, इसकी वजह से कई बार उनके साथ पक्षपात भी आ जाता है, हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम कुछ एग्जांपल पढ़ेंगे जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि कैसे पक्षपात होता है और कैसे रूढ़िवादिता सोच, हम रूढ़िवादी जो सोच है हमारे अंदर बनी हुई है। जैसे कि क्या है, कुछ लोग क्या है लो कास्ट के हैं, ठीक है, वो मेंटली वीक हैं, जो लड़कियां हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर बर्डन है, ठीक है, लड़कियां गेम नहीं खेल सकती, लेकिन आजकल तो देखो लड़कियां कहां से कहां तक पहुंच गई हैं, ठीक है, लड़कियां जो होती हैं वो इमोशनल वीक होती हैं, ठीक है, बॉयज़ क्या होते हैं नोटी होते हैं इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, ये भी माना जाता है, ठीक है, लड़कों का तो यही क्या है बिहेवियर है, यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो विलेजर्स होते हैं, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं, वो अंधविश्वासी होते हैं, ठीक है, जो विलेजर्स होते हैं वो क्या है अनहाइजीनिक होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, और जो गांव के लोग हैं वो अर्बन यानी कि शहरी लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, वो सिर्फ पैसे पैसे के पीछे भागते हैं, उनको लोगों की चिंता नहीं होती, ठीक है, उनको अपने लोगों से अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं होता, ये उनका मानना होता है, ठीक है। जो सिटी के लोग होते हैं, शहरों के लोग होते हैं, वो लालची होते हैं, ठीक है, करप्शन करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बेस्ट है, जिसको आती है वो बेस्ट पर्सन है, जिसको नहीं आती वो क्या है सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो रिच पीपल होते हैं वो तो हार्ड वर्क होते हैं करते हैं इसीलिए वो रिच हैं, जो पुअर पीपल हैं वो हार्ड वर्क नहीं करते, वो लेज़ी होते हैं, ये भी मानते हैं, ठीक है। जो फिजिकली हैंडीकैप लोग होते हैं, ठीक है, मतलब जिनके अंदर कुछ कमी होती है, वो मेंटली भी वीक होते हैं, ऐसा भी मानते हैं कुछ लोग, ठीक है। जो अस्थमा पेशेंट हैं वो क्या है गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जो गरीब लोग होते हैं वो कभी भी बड़ा अचीवमेंट, कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बहुत सारी रूढ़िवादी सोच हम लोगों ने बना रखी है, ठीक है, तो इसकी वजह से पक्षपात होता है। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं कि ये सब चेंज हो गया है, ठीक है। जैसे टीवी रियलिटी शो है डांस इंडिया डांस में, जो एक हैंडीकैप पर्सन आता है उसको क्या है प्राइज मिलता है जजिस से, ठीक है। इसी तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है, वो क्या है एक लो कास्ट से बिलोंग करते थे, मतलब ठीक है उनको, लेकिन फिर भी क्या है वो एक साइंटिस्ट बने इस तरीके, और फिर क्या है प्रेजिडेंट भी बने, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो एपीजे अब्दुल कलाम हैं नॉट बिलोंग्स ए वेल ऑफ फैमिली, सॉरी वो किसी लोअर कास्ट से बिलोंग नहीं करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम क्या है वो क्या है सिर्फ क्या है एक नॉर्मल सी फैमिली से बिलोंग करते थे, मतलब ज़्यादा रिच नहीं थे, और क्या है लेकिन उन्होंने एक सपना देखा था कि वो एक साइंटिस्ट बने, ठीक है, साइंटिस्ट बनेंगे, ठीक है, और उन्होंने पूरा किया और बाद में क्या है वो प्रेजिडेंट बने, मुझे माफ़ कीजिएगा वो लोअर कास्ट वाली बात, ठीक है। उसके बाद क्या है स्टेरोटाइप क्रिएट कैसे होता है, कौन करता है, हाँ जी स्टेरोटाइप यानी कि रूढ़िवादिता जो क्रिएट करने वाले लोग हैं वो क्या है हमारी सोसाइटी में से ही हैं, ठीक है, कोई ऊपर से नहीं आता कि स्टेरोटाइप क्रिएट होगा, ठीक है। हम लोगों में से कुछ लोग क्या है ऐसा विश्वास कर लेते हैं, और जो विश्वास हम कर लेते हैं उसको पकड़ कर रखते हैं और उसको क्या है अपनी सोच में हमेशा के लिए कायम कर लेते हैं, और वो इमेज क्या होती है हमारे माइंड में सेट हो जाती है, ठीक है। तो इसको कौन क्रिएट करता है, सोसाइटी ही करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है प्रिजुडाइज और स्टेरोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन, अपक्षपात हुआ स्टेरोटाइप होता है और ये डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जो प्रिजुडाइज है और स्टेरोटाइप यानी कि एक व्यक्ति को मतलब एक समुदाय को एक फिक्स इमेज में डाल देना, प्रिजुडाइज में क्या होता है दूसरे पर्सन को इन्फीरियर समझना, ठीक है, इसकी वजह से भेदभाव कैसे होता है, ठीक है, हाँ जी बहुत सारे क्या है इस तरीके से भेदभाव होते हैं। जैसे कि इंग्लिश जो बोलते हैं उनको लगता है कि जो इंग्लिश नहीं बोलते वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और इसी कारण क्या है वो अपने आस पड़ोस में ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं जो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ठीक है। कई बार इस तरीके के भी पक्षपात होते हैं कि किसी समुदाय को या किसी व्यक्ति को ये बोल दिया जाता है कि आप इस कुएं से पानी नहीं पियेंगे, आप मंदिर में नहीं जाएंगे, ठीक है, हमारे साथ आप बैठकर खाना नहीं खाएंगे, इस तरीके से क्या है बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जिसकी वजह से जो हमारे एरिया का पीस है यानी कि शांति है वो भंग हो जाती है, शांति भंग हो जाती है तो उस एरिया की डेवलपमेंट भी रुक जाती है, क्योंकि जहाँ पर शांति ही नहीं होगी तो वो एरिया डेवलप क्या करेगा, ठीक है, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ मेंटली परेशान ही रहते हैं, ठीक है, और इस वजह से वो कह डेवलप नहीं कर पाते। तो इस वजह से आपने देखा कि जो स्टेरियोटाइप है और जो ये प्रिजुडाइज है इसकी वजह से क्या है हम लोगों के ऊपर कैसे प्रभाव पड़ रहे हैं, ठीक है। ये कहता है कि जो प्रिजुडाइज है या स्टेरियोटाइप है इसमें इसकी वजह से लड़कियों को भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, जैसे कि इस पिक्चर में देखिए दिखाया हुआ है कैसे उनके साथ भेदभाव होता है, देखते हैं। ये कहता है कि उनको ये बोला जाता है बचपन से कि तुम दूसरों की संपत्ति हो, मतलब तुम्हें दूसरे घर जाना है इसलिए तुम हमारी संपत्ति तो हो नहीं, दूसरों की संपत्ति बोला जाता है कि बताओ लड़कियां क्या संपत्ति होती है, ठीक है। तो इस तरीके से उनको ना प्रॉपर्टी की तरह समझा जाता है, वो भी दूसरों की, ठीक है। और उसके बाद क्या है भ्रूण हत्या का भी उनको शिकार होना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया है कि सबके खाने के बाद जो शेष बच जाता है वो लड़कियों को मिलता है, आजकल बहुत कम हो गया है, और ये मैं सोचिएगा कि
कुछ गलत बताया जा रहा है, होता था ये इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़कियों के एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद क्या है, वो क्या है, बाकी जो मेंबर होते हैं फैमिली के वो लड़की के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, ठीक है। ये तो था कि प्रेजुडाइज की वजह से लड़कियों को कैसे फेस करना पड़ता है, स्टेरोटाइप की वजह से कैसे फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ेंगे हम इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, कोई एक पर्सन अमीर है, कोई एक गरीब है, ठीक है, उसकी वजह से कैसे पक्षपात होता है। हाँ जी, जो अमीर होते हैं वो क्या है, ऑटोमेटिकली गरीब को क्या है, अपने आप से इन्फीरियर समझते हैं, ठीक है। तो इस वजह से उनको काफ़ी जगह प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनको हॉस्पिटल्स में जाने में बहुत दिक्कत आती है, जो नॉर्मल बेसिक सी चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करने में क्या, उनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। अब देखा आपने, स्टेरोटाइप भी हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, स्टेरोटाइप हो रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, उनके कल्चर को लेकर, रिलीजन को लेकर, कास्ट को लेकर, ठीक है, और ऊपर से इनइक्वालिटी यानी कि इकोनॉमिक बैकग्राउंड को लेकर, कि वो अमीर है या मैं गरीब हूँ यार, ठीक है। इस वजह से क्या है, कई बार क्या होता है कि एक ही पर्सन के साथ दो तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, एक तो क्या है वो किसी लो कास्ट से बिलोंग करे, ठीक है, दूसरा क्या है वो गरीब भी हो, तब क्या है उसके साथ और भी ज़्यादा समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि फिर उसके साथ उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ों को हैंडल कर लेना, ठीक है। तो ये कहते हैं कि कई बार तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ साथ उनके साथ क्या है बहुत अलग तरह के भी डिस्क्रिमिनेशन हो जाते हैं। आई जस्ट होप आपको अभी तक ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसके लाइन टू लाइन तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो पढ़ाया है वही आएगा, ठीक है। तो बाकी का लेसन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आप इसके क्वेश्चन आंसर ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं है कि मैम लेसन पढ़ा रही है, लेसन इसलिए पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है क्वेश्चन आंसर यहीं से बने हैं और आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट।